Good morning students, welcome once again to the web classes. Today again we are going to see the subject accounts. Unit number 6 for the 12th commerce English medium. The name of chapter is retirement / death of partner. This is lecture number 8. We are going to attempt sum number 11 today. So without wasting any further time, let's begin. Now the headline is, read with me, open your book, chapter number 6, sum number 11, and read it with me and do tick marks accordingly. Moon, Star and Sun are the partners of firm. Sun retires on 31st 3 2017. Moon and Star will distribute future profit and loss in the ratio of 5-1. Balance sheet of their firm as on 31st 3 2017 was as under. Now the balance sheet is given to you, the liability portion is given and the asset portion is given. Now do the tick marks. Goodwill of the firm is valued ₹60,000. Okay. Creditors are payable after 1 month, which are to be paid immediately at 12% per annum discount. Okay, so do tick mark on creditors. Creditors are to be paid. Are to be paid का मतलब है creditors जो है वो balance sheet में बचेंगे नहीं. So if you want to do tick mark, then do tick mark, or you want to or you can do a cross also. क्योंकि अब creditor जो है वो book में होगा नहीं. क्यों? क्योंकि हम उसे pay करने वाले हैं. Now computer रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज नाउ वैल्यूड एट ₹12,000. ओके, जो कि बुक में है ही नहीं, तो फिर टिक मार्क तो होगा नहीं. मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर एट दिस वैल्यू. ओके, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन, मून एंड स्टार विल मेंटेन द कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट. ओके, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट. सो होपफुली यू हैव डन द टिक मार्क. टिक मार्क की बात करें तो सिर्फ क्रेडिटर पर टिक मार्क और कहीं पर भी कोई टिक मार्क नहीं है. तो एक काम कीजिए, पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर द अकाउंट्स और वन बाय वन एंट्रीज आप साथ में करते जाना. सो हियर वी हैव रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो ऑल द थिंग्स आर रेडी एंड टेक योर कैलकुलेटर ऑल्सो. नाउ कम टू द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड अगर देखते हैं तो सबसे पहला आता है कैपिटल और जनरल रिजर्व. तो कैपिटल तो हम लिख देंगे और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशियो में, तो पीएनएल रेशियो, जो कि उनका कौन सा रेशियो है, 5:1 तो फ्यूचर का रेशियो है. मून, स्टार एंड सन अदर पार्टनर्स इन अ फर्म, शर्न रिटायर्स ऑन 31st 3 2017, मून एंड स्टार विल डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट. ओके, सो दिस इज न्यू रेशियो, 5-1 इज द न्यू रेशियो. सो ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन. वेन एवर द ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन, देन वी विल अज्यूम इट एज 1-1-1, और यू मे से एट इक्वल रेट. ओके, नाउ द कैपिटल इज गिवन. तो कैपिटल हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, तो ये देखें कैपिटल, यू कैन सी, जस्ट अ सेकेंड, यस, सी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, 2 lakh एंड 1,80,000. दी इज दी कैपिटल एंड जनरल रिजर्व. सो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 30,000 एंड अगेन 30,000 रुपीज. इज दैट क्लियर? नाउ द सेकेंड थिंग दैट इज गिवन टू यू इज क्रेडिटर. सो वी कैन डू टिक मार्क ऑन क्रेडिटर और एल्स वी कैन राइट क्रेडिटर एज इट इज. और अगर आप नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा. क्यों? क्योंकि इस पर क्रॉस है, क्रेडिटर नए बैलेंस शीट के अमाउंट के कॉलम में होने वाला नहीं है. मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेशन के लिए, तो देख लीजिए. सो लाइबिलिटी पोर्शन में ये रहा लाइबिलिटी पोर्शन, यू कैन सी ये वी हैव क्रेडिटर 60,000. देन आफ्टर क्रेडिटर देर इज अ बिल्स पेएबल ऑफ 10,000. दिस बिल्स पेएबल ऑफ 10,000, दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी. नो टिक मार्क इज देयर डायरेक्टली इन द लाइबिलिटी पोर्शन. सो इन द लाइबिलिटी पोर्शन बिल्स पेएबल 10,000 रुपीज. देन आफ्टर कम टू द एसेट साइड. एसेट साइड अगर आते हो तो कहीं पे भी कोई टिक मार्क नहीं है पूरे पे, एज इट इज लिखना है. बस बैंक को जो है वो बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो ये चलिए, ये रहा बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट आप देख सकते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,75,000 एंड ऑल द एसेट्स लाइक
building 2,40,000, machinery 1,30,000, furniture 80,000, stocks 45,000, debtors 30,000, ठीक है। और ये कैश जो है ये बाकी है, ठीक है, इसको बाकी रखो। क्यों बाकी रखो? क्योंकि लास्ट में जब हम कैश अकाउंट क्लोज करेंगे तब हमें ये बैलेंस मिलेगा। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लेट मी हैव दिस कलर। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। तो कैसे गुडविल का हम जो इफेक्ट है वो देंगे? तो गुडविल के इफेक्ट देने के लिए हमारे पास होना चाहिए गेन रेशियो। सो लेट्स फाइंड द गेन रेशियो। सो यू कैन सी क्लियरली द ओल्ड रेशियो इज 111111 एंड द न्यू रेशियो इज गिवन इन द हेडलाइन 51। सो गेन इज इक्वल न्यू माइनस ओल्ड। सो मून इज हैविंग गेन ऑफ 3/6, है ना, आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन। आप भी कर सकते हो, सिखाया गया है। स्टार इज हैविंग सेक्रीफाइस ऑफ 1/6 एंड सन हु इज रिटायरिंग इज हैविंग सेक्रीफाइस ऑफ 2/6। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया हुआ है, ठीक है, सेक्रीफाइस वालों का कैपिटल अकाउंट किया जाता है क्रेडिट और गेन वाले का कैपिटल अकाउंट किया जाता है डेबिट। इज दैट क्लियर? नाउ द गुडविल इज, तो गुडविल इज जस्ट अ सेकेंड, सो गुडविल इज 60,000, या सो उस 60,000 में हमारे मून का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से टोटल, ठीक है, क्योंकि इसका 3/6 आ रहा था। स्टार कैपिटल अकाउंट विड बी क्रेडिटेड विद 10,000 एज पर 1/6। सन्स कैपिटल अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड बाई 20,000 एज 2/6। सो होपफुली यू हैव गॉट द आइडिया। तो क्या करना है हमें? तो स्टार एंड सन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है और मून का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। तो चलिए कैपिटल अकाउंट में। सो कम टू द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड यू कैन सी द सन एंड स्टार 10,000 and 20,000 credit side. Who is giving this amount? So this is taken from the M's capital account. M's capital account. Now M's capital account debit side you can see 10,000 and 20,000. It became 30,000 total to S capital account and to Sun's capital account. S means star. So first adjustment is now completed. ठीक है, ये color distinguish किए हुए हैं, इससे आपको idea आएगा कि कौन सा adjustment है और कौन सा बैलेंस शीट का ऑलरेडी दिया हुआ था। नाउ क्रेडिटर्स आर पेबल आफ्टर 1 month विच आर टू बी पेड इमीडिएटली एट 12% पर एनम डिस्काउंट। ओके, 12 महीने के बाद देना था क्रेडिटर, जिसको आप अभी अभी तुरंत पे करते हो तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। सॉरी, क्रेडिटर आर टू बी पेड आफ्टर 1 month, 1 महीने बाद देना था, लेकिन अगर अभी अभी हम पे करेंगे तो हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा? तो 12% पर एनम का डिस्काउंट मिलेगा, पर एनम, पूरे साल का 12%। तो 1 महीने का कितना, तो हम फाइंड कर लेंगे। तो आ जाइए कैलकुलेशन पे, देखते हैं कैलकुलेशन आई हैव सोन और नॉट। यस आई हैव सोन। सो हाउ मच डिस्काउंट विल रिसीव? सो क्रेडिटर्स आर 60,000, द डिस्काउंट इज 12% पर एनम फॉर 1 month, सो 1/12, सो डिस्काउंट इज ₹600। So 600 would be the amount of discount. Now see here, come to the liability side. You can see clearly the creditors less 600. Okay, so less 600, so 60,000 minus 600, that is 59,400. Cash is paid to them, so cash paid 59,400. Thus the creditor balance would be zero. Now it will have two more effects. This 600 is our profit or gain. This would be credited to revaluation account and 59,400 paid cash. So cash account credit side. So come to the cash account credit side first. Cash account credit side you can see by creditor account 59,400 payment made and 600 would be in the revaluation account credit side by creditors account
600 rupees. Then computer written off, just a second, computer written off from the books are now valued 12,000. Okay, तो फायदा हो गया 12,000 का. Moon will take over the computer at this value. So revaluation account credit side will write by computer account. So here we have written by computer account 12,000, and that 12,000 is taken by the Moon. So in the capital account, debit side of Moon capital account, here Moon 12,000 to computer account. Okay, then the next, after retirement of Sun, Moon and Star will maintain their capital in the new profit and loss sharing ratio, and difference is to be transferred to bank account. Okay, तो जो capital है वो नए ratio में रहेगा. तो जो भी बात है वो capital की है, उसका revaluation account से कोई लेना देना नहीं है. Close the revaluation account. So if we close the revaluation account, the total of this side is 12,600. There is nothing to deduct. So 12,600 would be distributed in equal ratio, 4,200, 4,200 and 4,200. So credit side of capital account will write by revaluation account 4,200, 4,200 and 4,200. Now, सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? तो सबसे पहले अकाउंट क्लोज होगा जो पार्टनर जा रहा है. कौन जा रहा है? सन. तो सन जा रहा है, तो सन का आप इस साइड का अगर टोटल करते हो, दिस साइड, सो दिस साइड टोटल इज 2,34,200 माइनस करने के लिए कुछ बचा नहीं. तो 2,34,200 एंटायरली विल बी कैप्ट एज लोन. ओके, एंटायरली विल बी कैप्ट एज लोन. सो दैट 2,34,000 will write as to loan account, and this loan account would be written in the liability side as Sun's loan. So loan of Sun 2,34,200. Then come here. Now what will we do? Because the capital should be in the new P&L ratio. New P&L ratio is 5:1. So हमें करना क्या है? देखो, आपको इस साइड का मान लो कि ये एंट्री नहीं है, ये एंट्री अभी नहीं है, और ये एंट्री भी नहीं है, ठीक है, और ये टोटल भी अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये टोटल नहीं है. अब आपको क्या करना है? रफ बुक में एक टोटल करना है. पहले किसका टोटल करोगे? सो डू द टोटल ऑफ मून. मून का टोटल करते हैं, तो 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 4,200, 1,94,200. Total of this side is 1,94,200. Now deduct this values. So ये values आप minus करोगे, minus 10,000, minus 20,000, minus 12,000. So the balance is 1,52,200. Okay. Now again, do the total of this side. So 2 lakh plus 30,000. Yeah, 30,000 plus 10,000 plus 4,200. माइनस करने के लिए कुछ बचता नहीं है. सो 2,44,200. अब ये जो बैलेंसेज हैं, ये बैलेंस हम यहाँ पर लिखेंगे और उसका करेंगे कैलकुलेशन. देखिए, तो आप देख सकते हो जो आपने रफली कैपिटल फाइंड किया है, दैट इज 2,44,200 फॉर स्टार एंड मून 1,52,200. तो हम क्या करेंगे? पहले कर देंगे इसका टोटल, ठीक है, इसका कर दो टोटल. कितना होता है? तो 2,44,200 प्लस 1,52,200. सो टोटल इट बिकेम 3,96,400. ये रहा टोटल, इट बिकेम टोटल ऑफ दिस एंड दिस, इट बिकेम 3,96,400. ये 3,96,400 जो है, ये 5:1 रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट को इग्नोर करना. तो 5:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो डिवाइडेड बाय 6:5, द फर्स्ट पार्टनर विल गेट 3,30,333. ओके, द फर्स्ट पार्टनर विल गेट 3,30,333 एंड द सेकेंड पार्टनर विल गेट
110,111. Okay, so this would be written as to balance carry forward. Let me have distribution first again. Actually it is 396,400 divided by 6 into 5. Okay, the first partner will get, okay, this is correct, the first partner will get 330,333, and the second partner will get divided by 5 into 1, 66,066 rupees. The second partner will get 66,066 rupees. So this would be written as to balance carry forward in the capital account. So in the capital account, you can see to balance carry forward. Okay, so to balance carry forward. Now what will be the next move? So next move would be to close the account entirely. Jis side ka total zyada hai wo aap kya bolte hain, total ke column mein likhoge aur dono side likhna hai aapko. Now the total of moon of this side is more. So this side's total is 372,333. From this total, this would be deducted. So the final total is 178,133. So it will be written as by cash. Kyun? Kyunki wahan adjustment last mein kya likha hua tha? Ki the difference is to be transferred to the cash account. Okay. Isi tarah se aap star ka capital account close karoge, to total of this side of star is 244,200. इतना उसमें से माइनस कर दोगे आप, इतना माइनस करते हो तो बचता है 178,133. सो दैट इज ऑल्सो कैश. सो ये भी आ जाएगा टू कैश. नाउ अब देखो इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि मून पैसा लेकर के आ रहा है, तो मून की इफेक्ट डेबिट में होगी, और स्टार पैसा घर ले जा रहा है, मतलब स्टार की इफेक्ट क्रेडिट में होगी. तो कैश अकाउंट के दोनों साइड में चेक कर लीजिए. Now, moon's capital account in the debit side and by star's capital account on the credit side. Now, we are done with the cash account. Now, close it. By closing it, the total of this side is 353,133. From that, we will deduct this. So, finally, the balance carry forward is, by balance carry forward is 115,600. Let me know if it is wrong. I don't think so. So cash would be written in the balance sheet as a cash and bank. So cash and bank is 115,600, and the capital which we had written as a balance carry forward, it would be as moon's capital 330,000 and star's capital 66,067 rupees. Now, so the total is this. Now do the total of both the side. Both the sides total is 640,600 and 640,600. So hopefully you have got the point. आपको ये सम समझ में आया होगा. अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर ये सेम सम आपको टू टाइम्स करना है. सो माई रिक्वेस्ट इज टू डू इलस्ट्रेशन नंबर 16. हाउ मेनी टाइम्स? टू टाइम्स इफ पॉसिबल, थ्री टाइम्स, एंड सम नंबर 11 ऑल्सो टू टाइम्स. और इसके अलावा जो भी होमवर्क मैंने दिए हैं वो सारे टू टाइम्स करना ही है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. थैंक यू.